दोस्तों, जैसे सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा दिखता है, ज्यादातर आवाम को सरकारी नौकरी ही दिखती है, जिसका नजारा आप चौराहों और रेलवे स्टेशन पे देख सकते हैं। बात तो सही है। ठीक इसी तरह बिहार के सासाराम के क्रिकेटर आकाश दीप के यहाँ भी खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, इस तरह की तकिया कलाम पढ़े जाते थे। उनके पिता भी उन्हें क्रिकेट खेलने से मना करते थे ताकि उन्हें सरकारी नौकरी मिल सके, लेकिन आकाश का बिल्कुल मन नहीं था सरकारी दफ्तरों में घिसी पिटी लाइन बोलने का कि कल आना। उनके क्रिकेट के शौक ने तो उनको उनके गांव से ही बायकॉट करवा दिया था, मगर कल जो खेल आकाश द्वारा खेला गया, वही गांव वाले आकाश को अपना रिश्तेदार बनाने के लिए लाइन में खड़े हैं। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। जिन्होंने कल का मैच नहीं देखा उन्हें फटाक से बता दूं, दिल का खेल शुरू हुआ और जसप्रीत बुमराह के ना खेलने के चलते आकाश दीप को टीम में जगह मिल गई और गुरु अपने डेब्यू मैच में ही बंदा छा गया। देखते देखते बंदे ने इंग्लैंड के तीन महारथी बल्लेबाजों को रथ से वापस पवेलियन भेज दिया। वहीं रही सही कसर अश्विन अन्ना और जड्डू ने पूरी कर दी, जिसके चलते इंग्लैंड लंच तक 5 विकेट पर मात्र 112 रन ही बना पाई थी। मगर जो रूट ने इंग्लैंड को संभाला और चाय ब्रेक तक इंग्लैंड बिना विकेट खोए 125 रन बना लिए। मगर चाय ब्रेक के बाद भी इंग्लैंड के दो बैट्समैन हमें चाय की ही तरह धीमी आंच पर पकाते रहे। वो तो भला अपने मियां मैजिक का, जिनने इनकी साझेदारी तोड़ी और बैक टू बैक 2 विकेट लेकर इंग्लैंड का क्या क्या तोड़ा बताने की जरूरत नहीं। मजा आया। मगर ये जो रूट्स नाम का जोक पिच पर ऐसा चपका जो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिन का खेल खत्म होने तक जो रूट्स 106 रन पर नॉट आउट हैं और इंग्लैंड का कुल स्कोर 302 रन 7 विकेट पर आज खेल यहीं से शुरू होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड को 350 रन के अंदर निपटाया जा सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और यहां तक देख ही लिया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। दिल से धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए।